तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का ब्लॉग हम करेंगे दोस्ती के ऊपर। हमने इस तरह से बहुत सारे ब्लॉग कवर किए हैं सब कुछ, लेकिन ये जो ब्लॉग होने वाला है काफ़ी अनोखा होने वाला है, क्योंकि ये जो ब्लॉग है दोस्तों ये एक दोस्ती के ऊपर होने वाला है। हाँ सही सुना, वो भी एक दोस्ती कोई इंसान की इंसान से नहीं, एक पक्षी और एक इंसान की दोस्ती। जिस एक पक्षी को जो कहीं से उड़ के घायल अवस्था में आता है और एक इंसान को मिल जाता है और वो बंदा उसकी मरहम पट्टी करता है, उसके बाद उस पक्षी को उससे इतनी मोहब्बत हो जाती है कि वो पंछी उसको छोड़ के कहीं जाने का नाम ही नहीं लेता और वो उसी के साथ रहने लगता है। उसके यहाँ तक कि जब दोस्त आते हैं ना, सबसे इंटरेस्टिंग की बात गई ये है ना, जब उसके दोस्त आते हैं ना तो वो उसको देख के छुप जाता है कि कहीं उसको उसके साथ जाना ना पड़े। तो ये पक्षी कुछ ऐसा है, और वो एक ही साथ एक ही थाली में खाता है। और जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं ना बाइक से, तो वो उनके पीछे उड़ के उनके पीछे पीछे जाता है। तो मतलब उनको तो कई बार ऐसा होता है कि अगर कहीं मतलब जाना है ना, तो छोटे बच्चे की तरह उनको छुपकर जाना पड़ता है कहीं वो उनके पीछे पीछे ना लग जाए। तो कुछ ऐसा है हमारा सारस पक्षी, तो वही हम उसको आपको दिखाने ले चल रहे हैं, हमारे सारस पक्षी की अनोखी दोस्ती की अनोखी दास्तान। तो फिर ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फिर मिलते हैं हम अमेठी में आपसे। जैसा कि हम लोग सुबह कितने बजे निकले थे, 7 बजे। तो देखो गाइस, ये नहीं देखो जो एक लड़का नहीं कर सका वो एक लड़की ने कर दिखाया, तो कितना क्रेडिट देना चाहेंगे आप हमें? बिल्कुल, बहुत पावरफुल है मैम। फिलहाल हम लोग जो नहीं कर पाए वो अकेले कर पाए। वही तो, एक लड़के नहीं कर पाए, देखो वो तेल ले जो अब पेट्रोल, सॉरी वैभव भाई सारा मानी था यार आपको, आप नहीं कर पाए वो लोग। देखो गाइस, देख पाइएगा जो पेट्रोल पंप है ना, 2 दिन से होली के दिन फिलहाल, और आज भी देख पाइएगा यहाँ पे बाइक वाले और कार वाले खचाखच भरे हुए, तेल नहीं मिला है। और जो हमारी मैम है और ये पेट्रोल जाके वहाँ से बासन चौराहे से लेकर आई है, संगम पेट्रोल पंप है शायद, और देख पाइएगा अभी भाई साहब डाल रहे हैं। अभी सुकून है हमारे प्राण को, हम लोग तब निकले थे एकदम भोर था तभी से। अरे साहब जी पकड़ो जाइए पकड़ो जाइए, कांड कर देंगे अभी दोस्तों, देख पाइएगा। तो अभी हम लोग जो है पेट्रोल भरा के फुल करके 2 लीटर है चार्ज बॉटल वाला मैम लाई, और यहाँ से प्रयागराज से निकल चुके हैं। प्रयागराज का जो है एक पापा मऊ वाला ब्रिज आप दिखाइएगा, और पीछे काफी सुनसान है। अभी होली में सभी लोग जो है कि निकल रहे हैं, अभी छुट्टियां मना रहे हैं, नहीं तो अभी बहुत ज्यादा भी होती है इसमें भाई, ट्रैफिक सुबह सुबह मिल जाता है। फिलहाल आपको दिखा पाएंगे पीछे का नजारा कुछ यहाँ का, जो की ये पुराना ब्रिज है, लाल ट्रेन वाली यहाँ से जाती है बाकी उस तरफ। तो भाई देख पाइएगा हम लोग प्रयागराज जिला क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से, ये फाटक देख पाइएगा, ये है प्रयागराज का फाटक द्वार, और सामने का नजारा कुछ इस तरह है। ये कौन सा भाई, ये कौन सा पुल बनाना है, कहाँ का? हेलो मैम, इधर देखिए चश्मा कैसा लगा हमारा? एक नंबर एकदम। अब बात ये है गाइस, ये भैया जो हमारे पीछे नए सब्सक्राइबर, अभी नए सब्सक्राइबर हो गए भैया, अभी देख पाइएगा। बिल्कुल भाई ने भी आशीर्वाद दे रहे हैं, हम लोग प्यार दे रहे हैं, आप लोग भी प्यार दीजिए। एकदम एक नंबर गाइस, बताना कमेंट करके चश्मा कैसा, देख पाइएगा। हम भी कहानी सुनना चाहेंगे चश्मे की, क्या कहानी है कभी अभी अगले स्पॉट पे दिखाएंगे गाइस, उसका भी क्या है चश्मे का सीन, चश्मा हमने क्यों लिया और फिलहाल कब लिया था वो भी सीन दिखा देंगे, डाल देंगे वीडियो में, ऐड कर देंगे। नहीं भाई, एक पूरा ब्लॉग बनाएंगे चश्मे के ऊपर पूरा, वो भी दिखा देंगे गाइस, बने रहेंगे वीडियो में तक। और अभी हमारे साथ रास्ते का एंजॉय कीजिए आप लोग, स्टार्ट करो भाई। लेकिन जिस मकसद से हम आए थे आरिफ भैया से मिलने, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, और काफी निराशा हो रही है यहाँ से जाते हुए, क्योंकि सोच बहुत कुछ आए थे कि उनका उनके साथ इंटरव्यू करेंगे, कुछ रील्स भी वगैरह शूट, और पूछेंगे क्या है दोस्ती के पीछे का राज, और फिर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन गाइस कुछ हो नहीं पाया, काफी निराशा है यहाँ पे। हम लोग 3-4 घंटे यहाँ पे वेट किए हैं, और घर वालों का कहना ये है कि जैसे कि भैया आज नहीं आएंगे, हम लोग लगा कि ठीक है इतने दूर से हम लोग आ रहे हैं तो एक दिन हम लोग स्टे कर लेते हैं, सुबह उनका वीडियो शूट करके चले जाएंगे, पर घर वालों का कहना है कि वो 2-3 दिन के लिए आउट ऑफ टूर गए हुए हैं। अब भाई इसमें कितनी सच्चाई है गाइस ये तो नहीं कह सकते हैं, और लेकिन काफी बुरा लग रहा है, अब क्या कर सकते हैं। अब ये भी भैया देख सकते हैं, ये भी आए थे अभी, तो हम आ रहे थे तो एक लोग वहाँ पे हमसे मिलने, तो बताया अभी कल स्मृति ईरानी जी आने वाली है, अब क्या सच्चाई है मालूम नहीं, लेकिन वो हमसे यही बात बोले, वही नंबर दिए हमको जो की यार भैया का, बोले कॉल पे बात कर लीजिए, तो कॉल रिसीव नहीं करे यार भैया। क्या कहना चाहेंगे अभी आप इस वक्त की सोशल मीडिया वाले से, भैया परेशान हो चुके हैं और जो है कि अब भाग फिर रहे हैं यहाँ से।
हाँ ये तो मैंने देखा कुछ ब्लॉगर लोग जो कि थंबनेल ऐसा यूज कर रहे हैं कि परेशान हो गए या फिर 1 करोड़ में बेच रहे हैं, बहुत अफवाहें फैला रहे हैं। देखिए हर कोई आ रहा है तो मतलब वो अपने अपने स्टाइल में वीडियो अपलोड कर रहा है, ठीक है। तो ये भी तो देखिए कि मतलब बहुत उसकी सौभाग्य की बात होती है कोई लोग वायरल होता है, करोड़ों में एक ही बंदा वायरल होता है, ठीक है। और वायरल होने से जिंदगी भी लोगों की फिर बदल जाती है। अब क्या सेलिब्रिटी की इतनी भी पहचान है जितना लोग नहीं मिलना चाहते, जितना आज आ रही भैया से लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से दूर दूर से लोग देश भर से यहाँ चले आ रहे हैं उनके साथ एक सेल्फी लेने के, एक वीडियो शूट करने के लिए। लोगों को फिर थोड़ा सोचना चाहिए कि हाँ लोग बंदा इतनी दूर से आ रहा है तो उनसे मिल लेना चाहिए। थोड़ा हमको यही दुख की बात हो रही है कि आरिफ भाई कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं, बस यही थोड़ा दुख की बात है, बाकी जो है ठीक ही है। आगे क्या सीन है भाई, चलना अभी की अभी शूट करके क्या कैसे का? नहीं अभी तो थोड़ा टाइम सोच रहे हैं हम, वेट करेंगे थोड़ा सा और, नहीं तो इसके बाद क्या है निकलना तो पड़ेगा ही। हम लोग की तो वेट की जो इंतहा थी बिल्कुल पार हो गई, हम लोग लगभग 2-3 घंटे से इधर उधर टहल रहे हैं और खेत वगैरह हम लोग भी सब कुछ देख चुके, कुछ ऐसा बचा नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करे, वेट करेगी क्या करे, क्योंकि हम लोग 3-4 घंटा लगभग वेट कर चुके हैं। बहुत मतलब कि यार इतना दुखी का आपका भाई किसी ब्लॉग में नहीं हुआ जितना कि भाई आज हुआ है। पहला चैनल डिलीट होने के बाद भी इतना तकलीफ नहीं हुआ कि आज, पता है आज तकलीफ होता नहीं, हमारे साथ रजिया महिमा है ना तो इनके वजह से तकलीफ हो रहा है कि इनको इतना दूर हम लोग लेके आए हैं, कैसे भी तकलीफें झेल के आज, और इसी वजह से इतना तकलीफ हो रहा है। हम लोग अकेले भाई कोई मतलब नहीं, वीडियो बनाते हैं हम लोग तो मौज के लिए बनाते हैं, फिलहाल आज जो इनको लेके आए तकलीफ है। एक लड़की के लिए देखे बहुत बड़ी बात होती है, हमने अपने पापा से परमिशन लिया, तो लड़कियों के लिए होता है कि लोग अलाउ नहीं करते बाहर जाना, फिर काफी मुश्किल से मतलब बाहर आई और उसके बाद से एक नहीं ऐसा कभी सोचा भी नहीं कि मतलब आरिफ भैया नहीं मिलेंगे, होंगे नहीं क्योंकि अब लगभग हर कोई क्रिएटर डेली रोज आना कोई ना कोई जरूर आता है, तो अब समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या सीन है, कुछ इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। काफी ज्यादा निराशा हुई है यहाँ आकर कि मतलब कि एक जो झलक थी, हम लोग से सोचते थे एक घंटे, हम लोग का मुश्किल से आधे घंटे का काम था वीडियो शूट करते और उनसे कुछ आधे घंटे कहाँ को लेता है, 10-5 मिनट बस, 5 मिनट मुश्किल से, उसके बाद 5 मिनट वही बातें करते, उनसे पूछते कैसे क्या वायरल हुआ जो भी, फिर दिखा के निकल जाते हैं। अब पता नहीं क्या करते हो, चला जाए फिर यहाँ से, वही तो कुछ भी सभी कुछ संशय में है। बात जो है घर वाले सुनिए, अरे बीए के घर वाले साहब की बात हुई है, हाँ उन्होंने बोला है मतलब हम जैसे बोल, मेरा कहना ये था कि हम 2-3 दिन मतलब जैसे आज रुक जाते हैं, अगर आज वो नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर उन्होंने उसपे बोला कि नहीं वो 2-3 दिन के लिए ही गए हैं। अच्छा। 2-3 दिन के लिए वो है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जब अगर घर वाले ऐसे बोल रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को तो भाई चलना पड़ेगा भाई, बहुत आशा लेके आए थे, फिलहाल कोई नहीं। इस ब्लॉग में आप भी निराश हो जाएगा, थोड़ा सा रो ले लीजिएगा हमारे लिए और हमारे लिए क्या रजिया के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत तकलीफें झेल के यहाँ तक आए। वीके भाई भी साथ में हमारे दिन रात में मतलब बाइक ही चलाए, वीके भाई साहब पूरा क्रेडिट में जाते हैं, आपका भाई बाइक नहीं चलाया जाता है, बहुत इतना लंबा दूर से इन्होंने ही पूरी बाइक वो किया, क्योंकि इनको भी बाइक आती नहीं है कि आधे आधे में लोग कर ले, और फिर काफी 3 लोग आप सोच सकते हो गाइस, एक बाइक पे 3 लोगों का आना काफी ज्यादा मुश्किल से हम लोग यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि बाइक बस हम लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि फिर यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ किलोमीटर तक साधन ही नहीं मिलता है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि फिर हम लोग बाइक से चलते, फिर हम लोग वैसे भी झेल जाते, बाइक से भी झेले और वैसे भी झेले, बिल्कुल जिसको कहते एकदम हालत खराब। कोई नहीं गाइस, क्या करें, एंड करें इस वीडियो को, तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, थोड़ा सा रो लीजिएगा कमेंट सेक्शन में अपना, जो भी हो गुस्सा हो क्रोध हो जाहिर कर दीजिएगा, बताइएगा कि ऐसा कोई बंदा फेमस ना हो जो मतलब कि क्या बोले भाई साहब की अब। तो गाइस ये वही सारे थे जिससे हम मिलने आए थे और जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित में है आजकल, आप जान रहे हो आरिफ भाई की दोस्ती और सारिफ भाई की दोस्ती जो इतनी ज़्यादा पूरे YouTube पर वायरल हुई है, देश दुनिया में पूरी इनके चर्चे ही आजकल चल रहे हैं, तो हम भी इनसे आए थे जानने कुछ और इनका इंटरव्यू लेने, बट क्या करें फाइनली गाइज आपने देखा कि आरिफ भाई हमसे नहीं मिल पाए तो फाइनली हमें घर वैसे ही वापस जाना पड़ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें सारस दिखा और सारस से हम ओ माय गॉड। तो गाइस देखा ना आपने कि क्या बोलते हैं, काफ़ी इससे सतर्क रहना पड़ता है क्योंकि कभी भी आपके ऊपर हमला कर सकता है, तो इससे थोड़ा सा आप दूरी ही बना कर रखें, क्योंकि वैसे भी मैंने सुना है ये लड़कियों को भाव नहीं देता है और लड़कियों से थोड़ा दूरी रहता है और लड़कियाँ इसके पास जाती है तो इसे अटैक करने की कोशिश करता है, और क्योंकि आप जान रहे हो ये सिर्फ आरिफ भाई के साथ ही उन्हीं के साथ रहना पसंद करता है, उन्हीं के साथ खाना पसंद करता है, और ये बाकी लोग इसके पास जाते हैं तो उनको ये काटने की कोशिश करता है, तो इससे आप दूर ही रहें। तो ये था गाइस सारस, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी इनकी दोस्ती और कैसा लगा आपको ये सारस, तो वाकई बेमिसाल है, बहुत खूबसूरत है और वाकई काबिल तारीफ है। तो तो देखा ना गाइस यार
कितना ज़्यादा डेंजर है ये सारा, लड़कियों को अपने पास बिल्कुल नहीं आने देता। अब देखो ये चल चल के आ रहा है कि बिल्कुल ये मना कर रहा है कि हमारे पास बिल्कुल आने की कोशिश मत करना, ये हमें वार्निंग दे रहा है। और सच में शरद जी हम आपके पास बिल्कुल भी अब नहीं आएंगे, अब दूरी दूरी रहकर बात करेंगे यार। तो गाइस देखा ना आपने कितना समझदार सारा से। और वाकई मैंने सुना था ऐसा कि ये सिर्फ मतलब आरिफ भाई के ही साथ रहता है और उन्हीं को इजाज़त है कि वो इसके पास जाएं और इसको टच करें, बाकी और कोई इसके पास भी जाने की कोशिश करता है ना तो इसको ऐसे ही हमला करता है गाइस। तो फाइनली गाइस हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और हम लोग के पैसे वैसे बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। तो यहाँ पर एक शादी चल रही थी और शादी थी या एंगेजमेंट थी, तो हम लोगों ने सोचा यहीं पे हम लोग चल के खा लेते हैं और फिर रूम पे खाना कौन बनाएगा, और इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं कि बाहर खाना खाया जाए। तो हम लोग चोरी चोरी से जल्दी जल्दी किसी के यहाँ, यार बिन बुलाए बराती जिसको कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है ना, बिल्कुल कुछ ऐसा ही वाला सीन है ना, वही वाली हाल है यार गाइस। देखो तो हम लोग सोच रहे कहीं हम लोग कोई पहचान ना ले और कोई भगा दे, इससे पहले जल्दी जल्दी खा के निकल लेते हैं। ये फ्राइड राइस है, फ्राइड राइस आज गाइस इतना खिला देंगे ना इनको, इतना खिला देंगे भाई रास्ते में आठ मार देंगे। हाँ बिल्कुल, पैसे तो खत्म हो गए यार बहुत, ऐसे थे जितने लोगों ने मेरा उधार दिया, प्लीज दे दो यार, ज्यादा आज बहुत गरीब हो गए हम आप लोगों की वजह से। मेरा बैंक क्या है, बाहर खाने का आदत है, जब भी आप लोग प्यारा सपोर्ट कर खा रहे हैं बाहर, गाड़ी देख पाइएगा पीछे वाला भी। हलवाई देता है भाई, क्या है बिकता भाई हमारे सबसे आगे हैं, देख पाइए अपना प्लेट पूरा भर लिया एकदम, अभी चौड़िया के खाएंगे बैठ के यहीं पे। वाह बेसमती वाटर भी रखे हैं, मंचूरियन मैम को भाग गया है, काफ़ी अच्छा लगा। फुल्की का था मैम, फुल्की का आपको फुल्की अच्छा था, उसके बाद जो चाट खाया हमने क्या बोल, वो भी वो कम अच्छा था भाई। अभी यहाँ पे जो है मैम रिव्यू कर रही हूँ भोजन कैसा बनाया यहाँ पे, हलवाई साहब से भी उनसे बात कर लेते कैसे क्या बनाते हैं भैया वो। चीज़ें अपने हाथों से निकाल रही है, देख पाइएगा गाइस एकदम भर भर के दोना निकाल रही है। अरे चौमिन को दादे थोड़ी नहीं है, आ? चौमिन को दादे थोड़ी नहीं है, हाँ लग रहा है मैडम जी, एकदम चौड़िया के लग गई हैं भोजन लेने में, अभी दिखाएंगे कैसे खाती हैं, वन मानुष की तरह हमारी मैडम जी खाती हैं भोजन को, हमको भी दो यार थोड़ा सा। क्या ये कोकता, कोकता है, कोकता है नाम पता है मैम को। ये क्या है मैम, मिक्स मिक्स वेज है, मिक्स वेज है, पालक पनीर। खाने का व्यवस्था कुछ इस तरह है यहाँ पर, देख पाइएगा ताठा भर के ले ली मैडम जी हमारी, और यहाँ पे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज हम लोग बैठ चुके हैं पालक पनीर में, लंबा मुंह यार काफी रखती है, फिर से लगाना दिखा के देखने का भी भाई हमारे और आइटम लेके आया अभी ना, ऐसे लग रहा है यार क्या गाइस, काफ़ी काफ़ी कड़वा है मैम को, मतलब क्या बोलती है गाजर का हलवा पसंद आ गया, मजा आ गया, मैडम जी काफ़ी है चुस्की ले रहे हैं, दूसरा कप काफ़ी है इनका भाई, फिर का है मतलब पूरा पेड़ा लोगी। तो खाना वाना खाने के बाद फाइनली से हम लोग की इतनी बेशर्मी की हद देखी, हम लोगों ने सोचा जब सब कुछ हो गया शादी में बकायदा आ गए तो दुल्हन भी देख लें यार।
गाइस आप ये देख सकते हो क्या बदतमीजी इन लोगों की। ये तो ठीक भी है, अब ये बताइए ये जो ड्राइवर है ये बोल रहे हैं हमें यही ला के बीच रास्ते में कि अब हम नहीं जाएंगे और आगे, हम बहुत थक चुके हैं यहाँ, मतलब हमें और ज्यादा पैसे पेड कीजिए। अब मतलब ये बदतमीजी रास्ते में लोगों की समझ में नहीं आती, आपको दिखाती हूँ, दिखाए आप इनको, उठाइए इनको, ये क्या बदतमीजी, ये काफी बदतमीजी कर रहे हैं। आप ये बताइए क्या बदतमीजी कर रहे हो आप इतनी रात को, हम लोग कैसे जाएंगे प्रयागराज, आपने कहा था आप लेके जाओगे लेके आओगे, देखिए कह रहे हैं हट हट, मतलब क्या बदतमीजी, आप बताओ आप लोग गाइस हम लोग कैसे जाएंगे, आप इनका क्या सलूशन है भाई, हम लोग तो फंस गए ना आगे, फंस गए भाई, चलाना हमको आता नहीं, लेकिन चल लेते हम, समस्या ये है कि अभी ये चलाते चाबी तो है आप चल लेते हैं भाई, और सबसे बुरी बात गाइस ये भी, आप ये सोच रहे हैं कि ये भी चला सकते हैं, नहीं बाइक हमें चला, बाइक चलाने आती नहीं है, बहुत बुरे फंसे यार, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे, बताइए कितनी सुनसान इलाका है, आप देख सकते हो कितनी सन्नाटी रात है, कितनी बिल्कुल कोई भी कुछ भी हादसे हो सकते हैं, कोई मार के जा सकता है, अब ये देखे बिल्कुल ये ऐसे सो रहे, देख रहे हैं ये कोई सोने की जगह है, देखिए अब कह रहे हैं कि शांत रहे हमको सोने दो, क्या बताए हम लोग क्या करें, अभी हम लोग को बीच रास्ते में हम लोग क्या करें, आप ही बताओ गाइस कमेंट करके, तुम बोले आप कौन क्या बोले, हम कैसे ड्राइवर लाए थे हम, कैसे ड्राइवर आपको लाइट आ गई, लाल देख पाइएगा अभी कैसे सुट्टे पास हो रहे हैं, और मतलब यार एकदम हाँ जी कर दे सोने के कुछ टाइम उठो यार भैया, आपके पैर पड़ रहे यार भैया, उठ जाओ यार, मतलब ड्राइवर को मतलब इतना यार है कि पहले से व्यवस्था थी कि हम कंबल लेके चलेंगे और हम रात में सोएंगे, इसका मतलब इन्होंने हमको धोखा दिया, तभी ना ये कंबल वरना कहाँ गए, ये साथ में लेके चले थे कि हम जब थक जाएंगे तो हम आराम करेंगे और बाकी दुनिया गई भाड़ में, ये क्या तरीका है, मुझे ये नहीं पता आइडिया था, ये कंबल भर रहा था बोला मुझसे कंबल भर मेरे डिग्गे में आ रहा है ये, और उसके बाद चीले में पड़े हैं अभी, अभी तारनर बजा के बाथरूम में लिए चीले में, उसके बाद यहाँ पे सो रहे हैं, मुझे यार भाई आप तो पैर दबा रहे हैं, दोबारा नहीं बोलेंगे चीले में बारे में, भैया हाथ जोड़ रहे हैं हम लोग को पहुंचा दो, हाँ चलिए आप उनके पैर दबा दीजिए, कुछ भी सेवा करवा ले, देखिए गाइस ये है ड्राइवर, देखिए किस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं, हम लोग को बीच रास्ते में छोड़ के कह रहे हैं हम नहीं लेके जाएंगे, भाई सुबह से मैं 300 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ, इन लोगों के आंखों में दर्द और हया नहीं है, बिल्कुल दर्द है, बिल्कुल हया भी, काश हमें बाइक चलाने आती, और मैं गाड़ियों से नहीं याद था कि और हम लोग लेंगे आधे घंटे का ब्रेक, उसके बाद अपने रास्ते में, हां गाइस तो ये था मजा बड़ा वाला प्रैंक, तो कैसा लगा आपको प्रैंक कमेंट करके जरूर बताना, हम लोग काफी थक चुके थे गाइस, हम लोग काफी थक चुके थे इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि ये ड्राइव यही सुबह से कर रहे हैं और काफी लंबा टूर रहा है हम लोगों का, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, थोड़ा ही आराम कर लेते हैं फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और काफी हम लोग बिल्कुल थक चुके हैं बहुत, हम लोग की 8:30 बज रहा है, ये हमारी बाइक यहाँ पे खड़ी है जिस बाइक पे तीन लोग सवार होके चले थे कैसे कैसे, और ये देख रहे हमारे सामने ढाबा है और कुछ यूँ ऐसे रास्ते रास्ते का खूंखार मंजर है बिल्कुल, आप देख सकते हैं हमारे ड्राइवर चलने को बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और जगह का नाम जैसे भूपीएम है, और ड्राइवर हमारे बिल्कुल अब लग रहे हैं कि ये ड्राइवर है, और हम लोगों को भी देख सकते हैं, मैं हूँ लॉयर भाई, मैं तो जंगली आदमी हूँ, देख पा रहे हो क्या मुझे पहचान पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं, अच्छा दिख रहा है दिख रहा है, फिलहाल ये यादव जी भोजनालय एंड रेस्टोरेंट है, बगल में पसवाड़े यही रुके थे, यहाँ पे ट्रक वगैरह तमाम चीजें व्यवस्था है रुकने का, और यहाँ पे चाय पानी दुकान थी, फिलहाल इधर लेते हैं हमारे बैग में, हमारे बैग में नौ बज के 7 मिनट हो रहे गाइस, 9:07 देख पाइए टाइम, नहीं ये हमारे ड्राइवर साहब को देखिए रो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है लोग रोक दे रहे हैं गाड़ियां, बताइए हम लोग प्रयागराज कैसे पहुंचेंगे, ऐसे हैं हमारे ड्राइवर, यहाँ बैठ के देखिए रोड पे कंबल वंबल बिछा के अभी लेटेंगे हम लोग, हम लोग ये सोचो गाइस हम लोग कब पहुंचेंगे घर, अपनी